हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं इंस्टा पे कि नीट का एग्जाम इस बार टफ आएगा या ईजी आएगा 2021 या 2022 के कंपेरिजन में। तो बेटा, एक चीज़ गांठ बांध लो और एक चीज़ हमेशा याद रखा करो, पेपर उसी को टफ लगता है जिसने मेहनत ना की हो, राइट? जिसने क्वेश्चंस नहीं किए हो, जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, जिसने अच्छे से रिवीजन नहीं की हो, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं हो, उसी को पेपर टफ लगता है। अदरवाइज पेपर कभी भी टफ नहीं होता, राइट? इसलिए सबसे पहले तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि पेपर टफ आएगा या पेपर ईजी आएगा। लेकिन हाँ, पैटर्न में या फिर आप कह सकते हो पेपर में थोड़े बहुत क्वेश्चन, जैसे 2021 में आप देख सकते हो 2021 से चेंजेस आ रहे हैं पेपर में। 2021 से अगर हम देखें तो मैच द फ्लोइंग क्वेश्चंस जो थे वो न्यू डाले गए थे, ठीक है? और 2022 में आपने देखा होगा assertion reason के क्वेश्चंस आए थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए थे। अगर वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिस्कस करनी थी। एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही तरीके से पढ़ने की जरूरत है, तभी आप उस चीज़ों को समझ पाएंगे, उस चीज़ों को आंसर कर पाएंगे। तो इस बार 2023 का जो पेपर आने वाला है उसमें हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले तो ये चीज अपने दिमाग में डालिए कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आप हर टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैच वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, assertion reason स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं? क्या आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान करिए। हाँ, ये हमेशा हम कह सकते हैं बेटा, हमेशा पेपर जो होता है वो बैलेंस आता है, ठीक है? कोई एक सब्जेक्ट जो है वो उसमें चैलेंजिंग डाला ही जाता है ताकि पेपर का जो आप लेवल है वो बैलेंस किया जा सके, ठीक है? तो कोई एक सब्जेक्ट जो है वो ऊपर नीचे डाला ही जाता है, लेकिन अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, पेपर टफ नहीं होता है, ठीक है? चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है? तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैम इज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ओके? और कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी आप लोगों को, ओके? बाय बाय, हैप्पी प्रिपरेशन।